सो इस वीडियो में मैं आपको शो करने वाला हो एक टर्म जो हम डिज़ाइनिंग में यूज़ करते हैं, एल बाई थ्री और एल बाई फोर का टर्म, जो कि अगर किसी ने बीम के स्ट्रक्चर ड्राई की हो तो उसमें उसने कॉलम के करीब कभी एल बाई थ्री पे स्टील देते हैं तो कभी एल बाई फोर पे देते हैं, उसकी वजह क्या है? ठीक है, जब भी हमारे पास कोई कंटिन्यूस केस होता है, कंटिन्यूस केस मींस के अगर इस बीम को हम देखें तो ये बीम इस इधर भी जा रहा है और इस इधर से इस कॉलम से निकल के उस तरफ भी जा रहा है, तो इसको हम कंटिन्यूस केस बोलते हैं। अगर हम उस उधर देख ले तो उधर हमारे पास कंटिन्यूस नहीं है, ये जो पॉइंट है ए कॉलम ये हमारा लास्ट पॉइंट है और यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस केस या टर्मिनेटिंग केस आ जाता है। तो जहाँ पर हमारे पास टर्मिनेटिंग केस होता है वहाँ पर अगर हमने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए रीइन्फोर्समेंट देनी है तो उसको हम एल बाई फोर के हिसाब से देते हैं। एल बाई फोर का मतलब क्या है कि इस कॉलम से उस कॉलम तक जो हमारे पास डिस्टेंस है, जो लेंथ है, उस लेंथ को हम फोर पे डिवाइड करेंगे और फिर उसी फोर लेंथ को लेके हम यहाँ से स्टील स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हमारे पास एल बाई फोर आता है, लेट सपोज़ ये हमारे पास 40 फीट का एक पैनल है या एक बीम है, तो एल बाई फोर का मतलब है 10 फीट। ओके, 10 फीट को हम इस कॉलम से 10 फीट की डिस्टेंस तक ये वाला स्टील एज अ नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट देंगे, तो ये हमारे पास एल बाई फोर होगा। एल बाई फोर एट नेगेटिव एल बाई फोर अप नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डिसकंटिन्यूस केस में। डिसकंटिन्यूस केस मीन कि यहाँ पर ही हमारे पास टर्मिनेट होता है ये बीम। अब अगर हम इस बीम को इधर देख ले तो यहाँ पर ये हमारे पास कंटिन्यूस है और यहाँ पर हम एल बाई थ्री देते हैं। एल बाई थ्री का मतलब ये है कि यहाँ से वहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको हम तीन पर डिवाइड करेंगे। लेट सपोज ये मेरे पास 30 फीट है या चलो 40 फीट ही है, 40 को हम तीन पर डिवाइड करेंगे तो तकरीबन कितना आता है 13 पॉइंट समथिंग। इधर से हम 13.33 का लेंथ लेके वहाँ तक हम स्टील प्रोवाइड करेंगे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को कंट्रोल करने के लिए, यहाँ से वहाँ तक। अभी अगर आप देख लें इस बीम में भी हम देख सकते हैं कि इधर इस पॉइंट पे हमने एल बाई थ्री पे स्टील दिया हुआ है जबकि वहाँ पर एल बाई फोर पे दिया हुआ है। एल बाई थ्री को अगर आप देख लें तो इसकी जो लेंथ है ये आप देख सकते हैं कि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ये जो बार्स है, इन बार्स का जो लेंथ है ये 3 बार जो है, इन 3 बार्स का जो लेंथ है हमारे पास इस साइड पर ज़्यादा है और अगर हम यहाँ पर देख लें तो यहाँ पर जो हमने नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के लिए एक तो हमने स्टील 2 दिए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं हमने 2 स्टील दिए हुए हैं और दूसरा ये कि इसका जो लेंथ है वो भी कम है। ठीक है, तो इसको कम क्यों देते हैं और उधर ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि उधर हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो 2 डायरेक्शन में ये इस बीम में होता है, मतलब वो इस कॉलम की उस तरफ भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट और इस तरफ भी नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, इसलिए हम इसको एल बाई थ्री यानी ज़्यादा डिस्टेंस देते हैं, ज़्यादा लेंथ देते हैं, जबकि यहाँ पर हमारे पास सिर्फ इस डायरेक्शन में नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट होता है इसलिए उसका लेंथ हम कम कर देते हैं। थैंक यू।